हाँ जी किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। बहुत किसान भाई पूछते हैं, सुखदेव भाई आप बीज पैक करा के भेजते हो, कैसे पैक कराते हो, पहचान वैरायटी कैसे करनी होती है। सबसे पहले तो ये हमारा बैग देखें आप, ये जूट का हमारा बैग है और ये हमारा मार्कर लगा हुआ है इस पर पूरा, सुखदेव पोटैटो सीड फार्म। ये हमारे मोबाइल नंबर हैं 9896787414, 9798732193, ये हमारे मोबाइल नंबर है किसान भाइयों। जब हम बीज पैक कराते हैं तो हमारा ये जूट का बारदाना लगा होता है, ये देखो आप सब बैगों पे आपको ऐसे मार्का दिखेगा लगा हुआ। किसान भाइयों जो वैराइटीज बैग के अंदर है, सिलाई कराने से पहले इसके अंदर आपको एक टैग दिखेगा ऊपर, इसमें एक टैग रहता है और एक टैग वैरायटी का बाहर होता है, ये देखो ये लेडी रोस्टा LR, ऐसा ही टैग इसके एक अंदर भी मिलेगा। अगर ये टैग फट जाता है तो अंदर भी इसके एक टैग है, जब आप माल को खोलें तो देख लें आपको वैरायटी की पहचान हो जाएगी। दूसरा, जब हम यहाँ से, ये तो LR जा रहा है सारा गुजरात जा रहा है, इस गाड़ी में 500 बैग जाएंगे। अगर इस गाड़ी में दो तीन वैरायटी जा रही है तो ये ढांगे लग गई। मैं आपको और भी तरीका बताता हूँ वैरायटी को कैसे पहचानना। जैसे ये वैरायटी लग गई, ये ढांग लग गई, तो जब एक वैरायटी ख़त्म हो गई तो उसके ऊपर हम कट्टे भी छा देते हैं, कट्टे भी बिछाते हैं प्लास्टिक के, कट्टे रख देते हैं, फिर वहाँ पे वैरायटी बदल गई तो लाट बदल जाता है, किसान को भी पता लग जाता है। और जो हमारे ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी लेके जाते हैं उसको भी हम बताते हैं कि भैया ये इस वैरायटी के इतने बैग हैं, इस वैरायटी के इतने बैग हैं, जब आप गाड़ी खाली कराएं तो किसान को बताएं। और किसान जब गाड़ी खाली करेगा तो ढांग पे जहां भी उसको प्लास्टिक के कट्टे नजर आए समझ लेना वैरायटी बदल गई है। एक वैरायटी के कितने बैग आ रहे हैं वो सब हम किसान को व्हाट्सएप पे डिटेल देते हैं और बिल पे डिटेल शेयर कर देते हैं। ये गाड़ी है, गाड़ी के ड्राइवर मोबाइल नंबर सब किसान को दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। रास्ते में आप ड्राइवर से पूछते रहें कि गाड़ी कहाँ पहुँची है, कब तक गाड़ी पहुँच जाएगी, ये देखो जी। दूसरा, कभी भी हमारा जो आप माल देखेंगे जो बीज किसानों के पास आता है तो हमारा प्लास्टिक का बारदाना कभी नहीं लगा होता। ये बहुत पैरामीटरों पे, बहुत बारीकियों पे हम आलू के बीज का काम करते हैं। ये देखो ये जो प्लास्टिक का बारदाना, ये हमारे बैग हमारा बीज इसमें कभी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, ये प्लास्टिक की रस्सी भी हमारे आलू के बैग पे आपको कभी नहीं मिलेगी। हमारी जो रस्सी लगी होती है किसान भाइयों, वो जूट की रस्सी लगी होती है, जूट का ही हमारा बैग होगा, जूट की ही हमारी रस्सी होगी जिससे हम बैग सिलाई करते हैं। ये देखो जी, ये हमारी सुतली जूट वाली होएगी। और जो भी वैरायटी आपके पास आ रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, उस वैरायटी का आपको टैग लगा जरूर मिलेगा हमारे बैग, हर बैग के ऊपर। ये देखो जी, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखो जी। उसके बावजूद भी कहीं आप गलती कर देते हो, एक से दो बैग इधर कर देते हो, तो आप हमारे को वैरायटी की काट के आलू फ़ोटो भेजें और आलू के बैग की फ़ोटो भेजें, हम वैरायटी की देख के भी आपको बता देंगे कौन सी वैरायटी है। कहीं भी आप गलती करने का हम किसानों को मौका नहीं देते, बिल्कुल आसान तरीका है हमारी बीजों को पहचानने का। किसान भाइयों कोल्ड स्टोर से जब रेडी होके जा रहा है तो 5 से 6 तरीकों से आप पहचान सकते हो। और कहीं भी आपको दिक्कत लगे, आपको मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होता ही है, मेरे को आप फ़ोन करके पूछे तो हम आपको बताएंगे। बेझिझक आलू की खेती हमने अपनी अच्छी नहीं करनी, बाकी किसान भाइयों की भी अच्छी करानी है, और अच्छी खेती करेंगे तभी हमारे को आलू की खेती में एक अच्छा पैसा मिलेगा। अगर हम अच्छी खेती नहीं करेंगे तो हम आलू की खेती में कभी अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। बीज अच्छे लेने हैं, देखभाल अच्छी करनी है, खाद अच्छे डालने हैं, जो उसको चाहिए जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डालना है।